वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पिछले चैप्टर में रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था कि आयरन को, लोहे को जंग लग जाता है। किस वजह से? क्योंकि वो ऑक्सीजन और वो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एयर में उससे रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उसे जंग लग जाता है। तो ये एक्टिविटी जो है रस्टिंग की दी हुई है, ये आपके होमवर्क में आपको खुद रीड करनी है। ओके बेटा, तो इसके अंदर ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है कि आयरन मतलब एफ ई ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है जो कि रस्टिंग क्रिएट करते हैं। और हमने मैग्नीशियम रिबन का पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से सीखा। अब अगला है हमारे पास, ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ये पिछली वीडियो में मैंने लिटमस पेपर का आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, ये वही है। अगला है रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पे मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। अब ये सोडियम के बारे में बताया हुआ है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। अब जो सोडियम है वो मेटल है या नॉन मेटल है, ये आपको गूगल पे सर्च करके खुद देखना है कि मेटल रिएक्ट करते हैं या नॉन मेटल। ये हमें वैसे दिया ही हुआ है इसमें कि सोडियम एक मेटल है, मैं बता ही देती हूँ, सोडियम मेटल है जो वाटर से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद वाटर। अगला है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। तो एसिड के साथ क्या है, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और एक पॉप साउंड निकलती है, नॉन मेटल नहीं करते। यही केमिकल प्रॉपर्टी है, दोनों डिफरेंस में हम करेंगे कि ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करता, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जूम क्लास में डिस्कस किया था। अब है बेस के साथ, बेस के साथ रिएक्शन मेटल, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जिसमें ओ एच आयन्स होते हैं, ओ एच माइनस। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रो के मतलब बेस के साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शन है बेस का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये एक्टिविटी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, एक्टिविटी आपको खुद रीड करनी है जितनी भी आपको समझ आए, बाकी एक्टिविटी लैब के प्रैक्टिकल चीज़ है तो थ्योरेटिकली ये थोड़ी कमी आपको समझ आएगी। बस आपको ये देखना है कि रिएक्ट करके बन पाता है या नहीं। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हम कल की क्लास में रीड करेंगे। अब आपका होमवर्क है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड करना।